आज मैं आपके लिए ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो ताकत का खजाना है, जो आपको सर्दी जुखाम से बचाएगी, साथ ही साथ गले में खराश, गले में दर्द है तो उसमें भी राहत मिलेगी, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगी, आपके हीमोग्लोबिन डिफिशियंसी को भी इम्प्रूव करेगी। तो सर्दियों को देखते हुए ये रेसिपी आपके लिए बहुत खास है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आगे मैं बताऊंगी कि अगर आप इसको गर्मी में बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाना है। तो चलिए जल्दी से ये बहुत ज्यादा टेस्टी और आपकी कई सारी प्रॉब्लम को दूर करने वाली रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैं 250 ग्राम गुड़ ली हूँ। गुड़ कोशिश कीजिए कि देसी गुड़ हो तो ज्यादा अच्छा है। तो गुड़ को पहले हम इस तरह से छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे या तो फिर किसी चीज से तोड़ लेंगे। तो गुड़ को छोटे टुकड़ों में तोड़ने के बाद जिसमें पकाना है उस बर्तन में डाल दीजिए। इसी के साथ में डाल देंगे 2 चम्मच पानी। पानी ज्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो गुड़ को ज्यादा देर पकाना पड़ेगा। बस इतना ही डालेंगे जितने से गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। तो ये रेडी है। अब आप चाहे तो इसको दूसरे साइड में गैस पर चढ़ा दीजिए जिससे गुड़ मेल्ट हो जाए, लेकिन मैं इसको अभी बाद में गैस पर चढ़ाऊंगी, उससे पहले थोड़ी सी और तैयारी कर लेते हैं। तो इधर गैस पर पैन चढ़ाकर 1 छोटा चम्मच देसी घी डालेंगे। घी के गर्म होने पर करीब 1/2 छोटा चम्मच अजवाइन डाल देंगे। अजवाइन काफी गर्म होता है, साथ ही साथ पेट के लिए भी काफी फायदेमंद होता है, डाइजेस्टिव होता है। सर्दी में क्या हर मौसम में अजवाइन का यूज थोड़ा बहुत जरूर करना चाहिए। तो फ्लेम एकदम लो रखेंगे जिससे कुछ भी जलने ना पाए। इसी के साथ में डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। अब इसमें डालना है चना, तो ये भुना हुआ चना है, तो मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है। और इसको घर पर किस तरह से तैयार करना है ये भी वीडियो में डाल चुकी हूँ, तो आप चाहे तो देख लीजिए और घर पर तैयार कर लीजिए या तो फिर मार्केट से ले लीजिए। आप अगर इसको 2 टुकड़ों में करना चाहते हैं तो फिर किसी भारी चीज से प्रेस कर दीजिए तो 2 टुकड़ों में हो जाएगा। तो 250 ग्राम गुड़ के लिए 250 ग्राम ही चना भी ले गई हूँ। इसी के साथ में डाल देंगे 2 चम्मच सफेद तिल और 2 चम्मच खसखस यानी कि पॉपी सीड्स, इसको पोस्ते का दाना भी बोलते हैं। तो ये भी काफी गर्म होता है, काफी ताकतवर होता है, तो इसको भी जरूर डालिएगा। तो इस तरह से जब हम थोड़ा सा भूनकर इन चीजों को इस्तेमाल करेंगे इस रेसिपी में तो इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी, साथ ही साथ स्वाद भी काफी बढ़ जाता है। तो 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पर इसको हमें भून लेना है। तो ये भून चुका है, अभी इसको हम साइड में रखेंगे और अब इधर गुड़ को मेल्ट कर लेते हैं। तो गुड़ को हम इस पर चढ़ा देंगे, फ्लेम लो रखेंगे और थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते रहेंगे जिससे गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। तो इसकी हमें किसी भी तार की चाशनी नहीं चाहिए, बस गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए उतना ही पकाना है और लो फ्लेम पर ही गुड़ को मेल्ट करेंगे, नहीं तो चाशनी बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी और जलने भी लगेगी। तो ये देखिए गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है, अब ये हमारी चाशनी तैयार है। तो इधर ये पहले ही भून चुका है, इसमें हमें कुछ चीजें और ऐड करनी है। 1 छोटा चम्मच काली मिर्च और सफेद मिर्च का पाउडर डाल देंगे। तो दोनों मिर्च को एक में मिलाकर मैं महीन कूट ली हूँ। अगर आपके पास पहले से कूटा हुआ या फिर पिसा हुआ इसका पाउडर रखा है तो आप 1 छोटा चम्मच दोनों मिलाकर ले लीजिएगा। 1 टेबल स्पून सौंठ पाउडर, आप अपने हिसाब से सभी चीजों की मात्रा कम ज्यादा कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा जायफल और थोड़ी सी दालचीनी घिस देंगे। जो भी चीजें मैं डाली हूँ सब सर्दी को देखते हुए डाली हूँ, क्योंकि सारी चीजें गर्म होती हैं और सारी चीजें काफी फायदेमंद होती हैं, काफी ताकतवर होती हैं। तो कोशिश कीजिए ये सारी चीजें आप भी डालिए, बस इनकी मात्रा कम ज्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब इसमें ये चाशनी डालेंगे लेकिन छान कर डालेंगे, जिससे कि गुड़ में अगर कुछ गंदगी है तो वो छन्नी में आ जाए। अब इसको लो फ्लेम पर ही 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे जिससे इसकी चाशनी जो है अच्छे से पक जाए और जब हम इसको बनाएं तो चिपचिपी ना हो। वैसे चना और गुड़ अपने आप में खुद ही काफी ताकतवर होता है। पुराने जमाने के लोग चना और गुड़ काफी खाते थे जिसकी वजह से उनकी हड्डियां काफी मजबूत रहती थी और उनके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी भी नहीं होती थी। तो चना और गुड़ वैसे तो सभी को खाना चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं खा पाते हैं उस तरह से तो इस तरह से खाइए। इसमें चना और गुड़ के साथ साथ और भी काफी चीजें पड़ चुकी हैं जिससे ये रेसिपी बहुत ज्यादा टेस्टी के साथ साथ बहुत ज्यादा हेल्दी भी बन चुकी है। फ्लेम ऑफ कर देंगे और तब तक हम छोटा सा काम कर लेते हैं। कोई थाली या प्लेट लेंगे, इसमें थोड़ा सा देसी घी लगा देंगे।
इसको हम इसी थाली में खाली कर लेंगे। इसीलिए मैं थाली में थोड़ा सा घी लगाई थी जिससे गुड़ की चाशनी थाली में चिपके नहीं। और इसमें जो हम खसखस डाले हैं, तिल, अजवाइन और काली मिर्च डाले हैं, सभी का क्रंच बहुत बढ़िया से मुंह में आता है, सभी का फ्लेवर अलग अलग पता चलता है, क्योंकि सारी चीजें अच्छे से भुनी हुई हैं, जिसकी वजह से इसका स्वाद और बढ़ जाता है। थोड़ा सा इस तरह से करते रहेंगे जिससे जल्दी से ठंडा हो जाए, और इसको हमें बहुत ज्यादा ठंडा नहीं करना है, बस हाथ से हम आसानी से छू सके उतना ठंडा करेंगे। जैसे हम लड्डू वगैरह बनाते हैं ना, तिल का लड्डू, लाई का लड्डू, तो उसी तरह से हमें ये चाहिए। तो बस ये थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, अब उंगली में थोड़ा सा पानी लगाएंगे, इस स्पैचुला में जो भी लगा है चाशनी वगैरह सब निकाल लेंगे और हल्का सा पानी लगाएंगे, ज्यादा पानी नहीं लगाएंगे। जैसे हम तिल का या मूरी का लड्डू बनाने के लिए पानी लगाते हैं ना हाथ में, जिससे कि जले नहीं, उस तरह से बनाएंगे। अब इसे छोटा छोटा इस तरह से हम बना लेंगे। आप चाहे तो लड्डू का शेप दे दीजिए और चाहे तो किसी चीज में सेट कर दीजिए, जमा दीजिए, फिर बर्फी का शेप दे दीजिए। मैं इस तरह से छोटा छोटा बना ले रही हूँ। बहुत ज्यादा बड़ा नहीं रखिएगा, क्योंकि छोटे बच्चों को जब आप ऐसे छोटा छोटा पीस देंगे तो आसानी से वो खा लेंगे। तो गर्मी में बनाने के लिए आपको चना और गुड़ तो लेना ही है, इसके साथ में आप सौंफ का पाउडर ले सकते हैं, खरबूजे का बीज ले सकते हैं, तरबूज का बीज, या फिर जो भी ठंडी देने वाली चीजें आपको ध्यान में आ रही है उन चीजों को ले सकते हैं। और सर्दी में बनाने वाले हैं तो जैसे मैं बनाई हूँ उस तरह से बनाइए। तो ये देखिए हमारी ये रेसिपी कितनी बढ़िया बनी है, देखने से ही बहुत अच्छी लग रही है, और इसको किसी को भी आप खिलाएंगे सभी लोग बहुत ज्यादा पसंद करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये मजेदार और बहुत 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 ज्यादा ताकतवर रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। इसी तरह से और भी यूनिक नई नई रेसिपीज देखने के लिए फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।